ये तेल गरम हो गया है, इसमें डाल दूंगी। आ जाएगा भरवा करेले में, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपने किचन में लेके जाती हूँ और मैं किचन में बना रही हूँ भरुआ करेला। ये देखिए मैंने ये करेले छील के रख दिए हैं, छील के धो के मैंने इसमें रख दिए हैं भगुने में। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, इससे थोड़ा इसका कड़वापन निकल जाएगा। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी गर्म पानी। गर्म पानी डालने से इनका थोड़ा कड़वापन भी निकल जाएगा और ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे करेले गर्म पानी से। अगर हम इनको गर्म पानी में नहीं भिगाएंगे तो ये फट जाते हैं, इनमें मसाला भरने में तकलीफ होती है। अब मैंने ये गर्म पानी भर के रख दिया है। अब हम इनको रखेंगे 15 से 20 मिनट। दोस्तों अब मैं तैयार कर रही हूँ भरवा करेले का मसाला। ये मैंने हरी मिर्ची ली है, ये मिर्ची है और इसमें एक अमचूर भी रखा है, ये अदरक रखा है मैंने और ये लहसुन। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, ये धनिया और इतनी राई। ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है करेले में इसका, राई का। लहसुन अदरक और हरी मिर्च को पीस लेती हूँ, उसके बाद में ये अच्छा मसाला पीस लूँगी। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक मखाने और साबूदाने के चिल्ले की रेसिपी शेयर की थी व्रत करने वालों के लिए, और आज मैं कर रही हूँ जो व्रत नहीं करते हैं उनके लिए भरवा करेला बनाने की रेसिपी। दोस्तों आप भरवे करेले के मसाले को मिक्सर में भी पीस सकते हैं और सिलबट्टे पर भी। अगर आप मिक्सर में ना पीस कर सिलबट्टे में पीसें तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों ये मैंने करेले का मसाला रेडी कर दिया है, ये देखो ये मसाला पीस के रखा है मैंने। तो अब हम बनाते हैं भरवा करेला। ये मैंने तेल गरम करने के लिए कढ़ाई रखा है, तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा हींग, ये डाल दिया मैंने। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज, जो मैंने ये एकदम बारीक करके रखा है, इसमें डाल देंगे इसको। ये आप हरी मिर्ची की जगह लाल मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम लोग लाल मिर्ची नहीं खाते हैं इसलिए मैंने हरी मिर्ची डाल रखी है। प्याज को पकने देते हैं, करेले जो मैंने गरम पानी में डाले थे, ये करेले हैं। अभी ये एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। करेले को अच्छे से निचोड़ के उसका सारा पानी निकाल दें, इसके अंदर के बीज निकाल देंगे। ये गरम पानी में डालने की वजह से ये फटते नहीं है और आराम से कटते हैं। अगर गर्म पानी में नहीं डालते तो ये इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं काटने में। ये बीज निकाल देंगे। दोस्तों कई लोग ये बीज को इसके अंदर का जो भी निकलता है इसको भी मिक्सर में पीस कर मसाला में मिक्स कर देते हैं, लेकिन हम इनको यूज नहीं करते हैं। ये अब इसके अंदर हम मसाला भरेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, ये
पक चुका है अभी। अभी मैं इसमें मैगी के मसाले डालती हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी ये धनिया जीरा जो भी मैंने मसाला पीस के रखा है, ये मिर्ची और अमचूर और अदरक लहसुन है, इसको ऐड कर देती हूँ। दोस्तों ये मसाला मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी गैस को, फिर इसको ठंडा होने देंगे। ये जैसे ही ठंडा होगा फिर मैं इसको करेले के अंदर भर के इसको डीप फ्राई करूंगी। करेले रेडी कर रखे हैं भरने के लिए, मसाला भरने के लिए। दोस्तों मसाला मेरा ठंडा हो चुका है। अब मैंने कढ़ाई रख दी गैस पर, इसमें मैं तेल डाल देती हूँ। तब तक ये तेल गर्म होता है तब तक मैं ये करेला भर देती हूँ। करेले बहुत बड़े हैं, इनमें मसाला ज़्यादा ही जाएगा। ये धागे से बांध दूंगी ताकि इसका मसाला बाहर ना निकल पाए। ये देखिए ये अब मसाला इसका बाहर नहीं आएगा। अब मैं इसको, ये तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल दूंगी। दोस्तों इसी तरह बाकी के करेलों में भी मसाला भर के उनको बांध लीजिए और एक एक करके फ्राई कीजिए। तो ये लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारे स्वादिष्ट भरवा करेले। तो चलिए दोस्तों ये थी रेसिपी भरवा करेले की। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमस्कार और जय उत्तराखंड।